हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ विकास। तो आज हम एक सॉन्ग सीखेंगे जिसका नाम है जीना जीना। बदलापुर मूवी का सॉन्ग है ये, और आतिफ असलम ने सॉन्ग को गाया, तो बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। तो बहुत ही फेमस सॉन्ग है, आप सब लोगों ने सुना ही होगा। तो इस सॉन्ग के आज हम इंट्रो और कॉर्ड्स दोनों सीखेंगे। तो चलिए लेसन शुरू करते हैं। लेसन शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें कॉर्ड्स देखते हैं। तो कॉर्ड्स में आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, विद कीपो और विदाउट कीपो, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे प्ले कर सकते हैं। तो पहले विदाउट कीपो देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट कॉर्ड है हमारी एफ मेजर। नेक्स्ट ए माइनर, डी माइनर, ए शार्प मेजर, ठीक है, और सी मेजर। ठीक है, विदाउट कीपो ये पांच कॉर्ड्स है, एफ मेजर, ए माइनर, डी माइनर, ए शार्प मेजर और सी मेजर। ठीक है, तो इनमें से एक कॉर्ड जो है ए शार्प मेजर, वो थोड़ी बिगनर्स के लिए डिफिकल्ट हो सकती है। तो आप चाहें तो उसकी जगह कीपो यूज़ कर सकते हैं। कीपो यूज़ करेंगे हम फिफ्थ थ्रेड पे। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ थ्रेड पे कीपो यूज़ करेंगे। तो जो आपकी एफ मेजर थी वो बन जाएगी सी मेजर, जो ए माइनर था वो बन जाएगा ई माइनर, जो डी माइनर था वो बन जाएगा ई माइनर, जो ए शार्प मेजर था वो बन जाएगा हमारा एफ मेजर, और जो सी मेजर था वो बन जाएगा जी मेजर। तो जो ओपन कॉर्ड्स में ए शार्प मेजर बिगिनर्स के लिए डिफिकल्ट पड़ रही थी वो इजी बन गई इसमें एफ मेजर बन के। तो यानी अब हमारी सारी कॉर्ड्स जो हैं वो ओपन कॉर्ड्स हो गई है। तो कौन कौन सी हुई, सी मेजर, ई माइनर, ए माइनर, एफ मेजर और जी मेजर। सभी कॉर्ड्स के डायग्राम मैंने आपको स्क्रीन पर दे दिए हैं, अगर आपको नहीं आते हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये हमारी कॉर्ड्स हो गई। अब आते हैं हम इसके इंट्रो पर। तो इंट्रो पहले मैं आपको कीपो के साथ प्ले करके बता रहा हूँ, फिर मैं आपको विदाउट कीपो भी प्ले करके बता दूंगा, आपकी जैसे इच्छा आप वैसे प्ले कर सकते हैं। तो इंट्रो में आपको दो टाइप से स्ट्रमिंग बताऊंगा इसमें, एक फिंगर प्लकिंग वाली जो मैंने प्ले की है, और एक नॉर्मल स्ट्रमिंग चेक वाली, आप चाहें तो वैसे भी ले सकते हैं। ठीक है, तो फिंगर प्लकिंग जो मैंने प्ले की है वो कुछ ऐसे प्ले होती है। ठीक है, तो इस स्ट्रमिंग को प्ले करने के लिए क्या करना होगा आपको, सबसे पहले ये राइट हैंड के देखना होगा, हैंड मूवमेंट क्या करना है हमें। तो आपकी जो थंब है, आपका थंब प्ले करेगा सिक्स, फिफ्थ और फोर्थ स्ट्रिंग। ठीक है, जो आपकी फर्स्ट फिंगर है वो आएगी थर्ड स्ट्रिंग पे, सेकंड फिंगर आएगी सेकंड स्ट्रिंग पे, और जो थर्ड फिंगर है वो आएगी फर्स्ट स्ट्रिंग पे। ठीक है, ये तीन फिंगर नीचे की तीन स्ट्रिंग्स के लिए, और थंब सिक्स, फिफ्थ और फोर्थ स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले सी मेजर है, सी मेजर पे हमें बेस नोट प्ले करना है। सी मेजर का बेस नोट होता है फिफ्थ स्ट्रिंग, यानी फाइव, फिर जो नीचे की वन टू थ्री, तीनों स्ट्रिंग्स को एक साथ प्लग करेंगे, ऐसे साउंड आनी चाहिए। ठीक है, तो पहले बेस नोट यानी फाइव, वन टू थ्री और स्लैप। स्लैप का मतलब क्या है, जो आपका थंब है वो इस टॉप स्ट्रिंग पे हिट करेगा ऐसे, जिससे टॉप स्ट्रिंग आपके फ्रेटबोर्ड पे टच होगी, ऐसे साउंड आनी चाहिए। ठीक है, तो सी मेजर पे होगा बेस नोट, वन टू थ्री और स्लैप, फिर ए माइनर पे आ जाएंगे इसी दौरान, और वन टू थ्री एक साथ, और एक बार और। ठीक है, ये चार स्टेप हैं, तो तीन स्टेप तो सी मेजर पे और चौथा स्टेप ए माइनर पे। बेस नोट, वन टू थ्री, स्लैप, ये सी मेजर पे, और वन टू थ्री वापस ए माइनर पे। ठीक है, तो सब में आधा आधा यूज होगा, मतलब तीन स्टेप एक कॉर्ड पे, फिर चौथा स्टेप दूसरी कॉर्ड पे, इस तरीके से इंट्रो प्ले होगा। ठीक है, तो पहले सी मेजर और ए माइनर पे है, तो सी मेजर पे। अब नेक्स्ट जो है वो ई माइनर और ए माइनर पे है, तो ई माइनर पे बेस नोट चेंज हो जाएगा, हमारा बेस नोट हो जाएगा इसमें सिक्स स्ट्रिंग, तो यानी सिक्स, वन टू थ्री, स्लैप, फिर वापस ए माइनर पे, वन टू थ्री, तो इस कैसे होगा। ठीक है, ये दूसरा वाला हो गया। तीसरी बार जब रिपीट करेंगे इस बार आएगा ई माइनर और एफ मेजर, तो ई माइनर पे होगा बेस नोट यानी सिक्स स्ट्रिंग ही है, सिक्स, वन टू थ्री, स्लैप, और फिर एफ पे वन टू थ्री, तो ये ऐसे होगा। ठीक है, और लास्ट वाला जो है वो जी पे, पूरा ही चारों स्टेप जो है वो जी पे आएंगे, तो ऐसे प्ले होगा। ठीक है, तो मैं एक बार पूरा स्लो प्ले करता हूं, आप ध्यान से देखना। ठीक है, इस तरीके से हमारा इंट्रो प्ले हुआ है। तो ये तो फिंगर प्लकिंग में मैंने आपको समझाया है, अब आप चाहे नॉर्मल स्ट्रमिंग चेक में भी प्ले कर सकते हैं इसको, वो कुछ ऐसे प्ले होगा। ठीक है, इसमें स्ट्रमिंग क्या है, वही सेम चीज, तीन जो
जो स्ट्रोक्स हैं वो पहली कॉर्ड पे और आखिरी स्ट्रोक जो है वो दूसरी कॉर्ड पे, ठीक है। सेम कॉर्ड है, सब कुछ सेम है, बस स्ट्रमिंग थोड़ी सी चेंज है। इस पे सी मेजर पे होगा डाउन अप चेक चेक। आई होप आपको आता होगा, नहीं आता हो तो बता देता हूँ। जो आपका ये पाम होता है इसको पहले स्ट्रिंग्स पे रख देंगे और उसके बाद ये डाउन स्ट्रोक करेंगे जिससे साउंड पूरी म्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो सी मेजर पे होगा डाउन अप चेक और लास्ट का जो अप है वो ए माइनर पे, ठीक है। फिर ई माइनर और ए माइनर पे सेम, ई माइनर पे डाउन अप चेक और ए माइनर पे अप, ठीक है। फिर ई माइनर और एफ पे फिर से सेम, और जी पे पूरा आ जाएगा डाउन अप चेक अप। ठीक है, इस तरीके से हमारा इंट्रो प्ले हुआ। अब आप यही चीज चाहें ओपन कॉर्ड्स में, मतलब विदाउट केपो भी प्ले कर सकते हैं। सेम जो कॉर्ड्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी कैसे चेंज हुई थी, वही कॉर्ड्स यूज होंगी। ठीक है, इस तरीके से इंट्रो प्ले हुआ है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, इसको केपो के साथ ही प्ले कर रहा हूँ जिससे आपको बिगिनर्स के लिए थोड़ा और ईजी रहे, ठीक है। तो ये हमारी कॉर्ड्स हो गई और ये इंट्रो हो गया इस तरीके से। तो अब आते हैं हम इसकी मेन स्ट्रमिंग पर। तो स्ट्रमिंग स्टार्टिंग की जो लाइंस है उसमें मैंने एक छोटी सी फिंगर प्लकिंग यूज़ की है, आप चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो उसकी जगह नॉर्मल डाउन स्ट्रोक ले सकते हैं जैसे आपकी मर्जी हो, या स्ट्रमिंग भी ले सकते हैं। तो फिंगर प्लकिंग बता देता हूँ, पहले मैंने ये वाली यूज़ की है। क्या प्ले करना है, ए माइनर है, जैसे मैंने ए माइनर पकड़ रखी है तो सबसे पहले बेस नोट होगा। ए माइनर का बेस नोट होता है फिफ्थ स्ट्रिंग, 5 3 2 4 1, ये स्ट्रिंग के नंबर बोल रहा हूँ मैं, 5 3 2 4 1। ए माइनर पे 3 2 4 1 सब में कॉमन रहेगा, बस जो पहला नोट है वो सबका बेस नोट रहेगा, हर कॉर्ड का बेस नोट रहेगा। तो ए माइनर पे है तो 5 3 2 4 1, ई माइनर पे आएंगे तो 6 3 2 4 1, एफ मेजर पे आएंगे तो 4 3 2 4 1, जी मेजर पे आएंगे तो 6 3 2 4 1, बस और कुछ नहीं करना। तो ये हो गया हमारा फिंगर प्लकिंग वाला पार्ट। तो अब आते हैं हम इसकी मेन स्ट्रमिंग पर। तो मेन स्ट्रमिंग जो है वो सेम इंट्रो के जैसे है, बस उसमें एक दो चीज़ें एडिशनल है। तो हमारा इंट्रो कुछ ऐसा प्ले होता है, ठीक है। तो उसमें बस दो चीज़ें ऐड और करनी है। जो ये ए माइनर पे अप स्ट्रोक था ना, मतलब 1 2 3 एक साथ, उसके बाद हल्के से पॉज के बाद 1 2 3 और स्लैप, ये ऐड और करना है। तो मतलब पूरा कितना हो गया, ये हो गया पूरा, मतलब सी मेजर पे था बेस नोट 1 2 3 स्लैप इतना, फिर ए माइनर पे था 1 2 3, उसके बाद हल्के से पॉज के बाद 1 2 3 और स्लैप, ये और ऐड करना है। तो स्लो देखिए एक बार कैसा साउंड करेगा, ये पूरी स्ट्रमिंग है। सेम चीज ई माइनर और ए माइनर पे, ठीक है। फिर ई माइनर एफ पे सेम, ठीक है। तो ये जो आधी आधी स्ट्रमिंग वाला पार्ट है ये सिर्फ जीना जीना लाइन आएगी उस पे आएगा, बाकी हर कॉर्ड पे एक बार पूरी स्ट्रमिंग प्ले होगी, ठीक है। तो मेन स्ट्रमिंग जैसे ए माइनर पे आएगी, तो ए माइनर पे बेस नोट फिफ्थ स्ट्रिंग है तो 5 1 2 3 स्लैप, फिर 1 2 3 हल्का सा पॉज, 1 2 3 और स्लैप, तो पूरा ऐसा है। ठीक है, ये है हमारी स्ट्रमिंग। तो आई होप आपको स्ट्रमिंग समझ आ गई होगी। अब आप ये फिंगर प्लकिंग वाली नहीं चाहते तो आप नॉर्मल स्ट्रमिंग चाहते हैं, उसमें डाउन अप चेक अप अप चेक अप, इसमें भी सेम वही डाउन अप चेक अप चेक अप, लास्ट का बस चेक अप ऐड हो गया इसमें, डाउन अप चेक अप चेक अप, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों स्ट्रमिंग बताइए मैंने। अब आप इसमें एक और स्ट्रमिंग चाहें, जो बिगनर्स हैं जो चक और ये फिंगर प्लकिंग दोनों प्ले नहीं कर पाते, वो एक और स्ट्रमिंग ले सकते हैं इसमें चाहें तो, डाउन डाउन अप अप डाउन अप, ठीक है। ठीक है, मैंने आपको दोनों तीनों स्ट्रमिंग्स बता दिए। आपकी जो इच्छा हो, आप जिस पे कंफर्टेबल हो, आप वो स्ट्रमिंग प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा इस स्ट्रमिंग अच्छे से। सेम चीज़ आप विदाउट केपो प्ले कर सकते हैं। कॉर्ड्स आपको मैं अभी स्क्रीन पर प्रोग्रेशन के टाइम दोनों लिख दूंगा, विद केपो और विदाउट केपो, आपकी जो इच्छा हो आप वो प्ले कर सकते हैं, ठीक है।
इस तरीके से हमारी स्ट्रमिंग प्ले हुई है और इस तरीके से पूरा सॉन्ग प्ले हुआ है। तो अब आते हैं हम इसके कॉर्ड प्रोग्रेशन पे, वो भी बहुत ईजी है। तो मैं एक बार पूरा सॉन्ग प्ले कर देता हूँ, अब ध्यान से देखिए कौन सी कॉर्ड कहाँ पे यूज़ हुई है और सॉन्ग कैसे प्ले हुआ है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिले, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। गाना चालू होगा हमारा सी मेजर से। तो दोस्तों ये हो गया हमारा सॉन्ग। आई होप आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। इजी सॉन्ग तो, और इसीलिए मैंने समझाने की कोशिश की। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन या डाउट हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या वीडियो से कोई भी हेल्प मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ईजी और नए सॉन्ग्स के गिटार लेसन और लाता रहूँ। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।